हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 2 ऑफ प्रोडक्शन। तो लेक्चर 2 ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर में क्या डिफरेंस है। अब हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था बेसिक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पहले पढ़ा था हमने प्रोडक्शन डेफिनेशन, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन की डेफिनेशन थी। फिर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, फिर पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखते हैं पहले मीनिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर की क्या मीनिंग होती है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट रन कौन कितना होता है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। ऐसे फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर या फ्यूल ETC, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। अब शॉर्ट रन का टाइम पीरियड होता है 1 साल से कम या फिर लेस देन 1 ईयर। अब आता है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। ऐसे फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, मतलब 1 साल के अंदर चेंज नहीं किए जा सकते, वो होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचें हमारे पास एक प्लांट है अंकल चिप्स का। अब हम सोचते हैं कि हमारा 1 साल के अंदर दूसरा एक और अंकल चिप्स का प्लांट बन जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो अभी उसके लिए कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई प्लेस है, ना ही कोई ज़मीन है और ना ही कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो पहले हमको उसके लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी, फिर हमें उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर मशीन्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरीके से उसको बनाने में तो मोर देन 1 ईयर लग जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, और ऐसे फैक्टर जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते वो कौन से फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, ठीक। फिर आता है सेकंड, रिलेशन विथ आउटपुट। तो वेरिएबल फैक्टर का रिलेशन क्या होता है आउटपुट के साथ। पहला है, फिर इसमें आता है सच फैक्टर्स वेरी विथ आउटपुट डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जिसको हम डायरेक्टली आउटपुट के साथ चेंज कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल वर्ड जो बना है वो बना है वेरी से, वेरी का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज हो सकते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल ETC। फिर आता है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, सच फैक्टर्स डू नॉट वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट ETC, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के फैक्टर पढ़ लिए हमने। फर्स्ट पढ़ा है वेरिएबल फैक्टर एंड द सेकेंड इज फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या था, जो ऐसे फैक्टर जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, जिसका टाइम, अब शॉर्ट रन का टाइम पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। फिर होता है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम 1 साल के लिमिट में चेंज नहीं कर सकते, वो कौन से फैक्टर बन जाते हैं हमारे, फिक्स्ड फैक्टर। फिर आता है रिलेशन विथ आउटपुट। तो जिसका जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं और जो चेंज हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिर सच फैक्टर्स डू नॉट वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट, जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो सकते वो कौन से फैक्टर बन जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर। एग्जांपल, वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, लेबर और फ्यूल, और फिक्स फैक्टर का एग्जांपल है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट। इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट हो गए वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के। फर्स्ट हुआ मीनिंग, सेकेंड हुआ रिलेशन विथ आउटपुट एंड थर्ड इज एग्जाम्पल। फर्स्ट हुआ मीनिंग, सेकेंड हुआ रिलेशन विथ आउटपुट एंड थर्ड इज एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का डिफरेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेक्चर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।